क्या आप जानते हैं कि ये किस चीज़ के दाने हैं? तो गाइज ये है लुबिया के दाने। लुबिया तो जानते होंगे आपने, ग्रीन लुबिया की सब्जी तो बहुत बार बनाई होगी, लेकिन आज हम इस सूखी लुबिया की सब्जी बनाने जा रहे हैं। ये इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही पौष्टिक होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें इसको भिगोना होगा क्योंकि ये ड्राई है। तो इसको एक बाउल में डाल के और पानी डाल के हम पहले इसको धुल लेते हैं, जिससे इसमें जो भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। तो इसको अच्छे से हाथ से ऐसे मसलते हुए धुल लीजिए। तो यहाँ पर हमने दो पानी से धुल लिया है और ये एकदम साफ़ हो गया है। अब इसमें पानी डाल के हम रात भर के लिए भिगो देंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने पूरी रात इसको भिगो दिया था और ये बहुत ही अच्छे से सोख हो गई है और सारे दाने इसके बहुत ही बढ़िया से फूल गए हैं। तो इसको हमें दो तीन पानी से धुल लेना है। तो ये देखिए गाइज, इसको हमने धुल लिया है और अब इसको हम बॉयल करेंगे। तो बॉयल करने के लिए हमें लेना है एक कुकर। तो आप में से कौन कौन ये ड्राई लोबिया की सब्जी बनाता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। इसको हम डाल देंगे कुकर में, और कुकर में डालने के बाद इसमें डाल देंगे हम 1 से 1.5 कप तक पानी और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डाल देने से बॉयल करने में दानों के अंदर नमक चला जाएगा और ये जल्दी पक भी जाएंगे। तो नमक डाल दिया है, अब इसमें एक रखी हमने कटोरी। तो हमने कुछ मसाले लिए हैं, तो मसाले हम देख लेते हैं। तो इसमें हमने 2 प्याज लिया है मीडियम साइज़ के, 2 टमाटर है मीडियम साइज़ के, और 10 से 12 कली लहसुन की हैं, और 2 हमने लाल मिर्च ली है, काफ़ी तीखी मिर्च है। तो ये सारी चीज़ें हम एक छोटे बाउल में डाल देते हैं। बाउल ऐसा होना चाहिए जो कुकर के अंदर आ जाए। तो डंठल हमने हटा दिए हैं मिर्चे की, थोड़ा सा पानी बाउल में डाल दिया है। तो ये बाउल हम रख देंगे कुकर में। तो जब इस तरीके से हम मसाले तैयार करेंगे तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब आएगा। कटोरी में डाल दिया है पानी, जिससे जो ऊपर वाला बाउल है वो इधर उधर डिसबैलेंस ना हो, और ऊपर से एक रख दी है प्लेट और हमने कुकर को बंद कर दिया है। अब इसको 2 से 3 सीटी आने पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। गाइज, आप एक बार इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा, मेरे कहने से सब्जी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। 2 से 3 सीटी आ चुकी हैं और गैस की जो प्रेशर है वो निकल चुकी है। तो हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं कि हमारी लोबिया पकी है या नहीं। तो हमने इस पर इसीलिए ढक दिया था क्योंकि जो बॉयल होके पानी ऊपर आएगा तो मसालों के अंदर चला जाता। तो पानी हमने साइड में गिरा दिया है और बहुत ही आराम से आपको मसाले वाला बाउल बाहर निकाल लेना है। तो हमने चेक किया तो लोबिया अभी कम पकी हुई है, तो इसे हमें अभी थोड़ा और पकाना है। तो अभी हम 2 से 3 सीटी इसमें और लगा देंगे। तो हम फिर से गैस पे चढ़ा देते हैं और 2 से 3 सीटी इसमें लगा लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमने 2 से 3 सीटी लगा लिया, कुकर एकदम ठंडा हो गया, इसकी सारी प्रेशर निकल गई। तो हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि ये जो लोबिया के दाने हैं ये बहुत ही बढ़िया से पक गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो हमको ऐसे ही दानों को पका लेना है। तो अब हमने सेम कुकर फिर से गैस पे रख दिया है और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, देखिए धुआं निकलने लगा है। तो ऐसे ही आपको गर्म करना है, जिससे जो इसमें स्मेल आती है मस्टर्ड ऑयल की वो निकल जाएगी। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और कुछ हमने लिए हैं यहाँ पे खड़े गर्म मसाले। तो इसमें 10-12 काली मिर्च ली है, 2 से 3 लौंग ली है, 1 इंच दालचीनी ली है, 2 छोटी इलायची लिया है, 2 तेज़पत्ता लिया है। सारी चीज़ों को इसमें डाल दिया है, सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब इसमें डालेंगे जो मसाले हमने बॉयल किए थे, उसको ठंडा हो जाने के बाद हमने मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया था। तो वही मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं और ढक्कन लगा दिया है, जिससे जो इसमें छींटे आ रही हैं मसाले की वो बाहर ना आए। ढक देंगे तो मसाले की जो खुशबू होगी वो भी बाहर नहीं निकलेगी और छींटे भी नहीं आएंगी, जिससे हम सेफ रहेंगे। तो अब इसमें डालेंगे हम कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्च डाली है। लाल मिर्च हमने पहले भी डाली है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लाल मिर्च का यूज़ करें। 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दिया है। तो गाइस, हम जब तक इसमें मसाले डाल रहे हैं, हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, और पास में बनी हुई बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर वो नहीं प्रेस करेंगे तो नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो अब हमने डाल दिया है इसमें गर्म मसाला,
1/4 टीस्पून गरम मसाला डाला। अब आप कह रहे होंगे गरम मसाला इतना कम हमने डाला है तो ऐसे टेस्ट कैसे आएगा, लेकिन गरम मसाला हमने कुछ खड़े भी डाले हैं और ये गरम मसाला हमारा घर का बनाया हुआ एकदम प्योर है और बहुत ही हार्ड है, तो यहाँ पर हमने बहुत थोड़ा डाला है। 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, नमक भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए क्योंकि हमने बॉयल करते समय भी नमक को डाला था। और सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेते हैं ताकि इसको हम 6-7 मिनट तक पकाएंगे। जब तक कि इसका तेल सेपरेट नहीं हो जाता है तब तक हमें इसको अच्छे से पका लेना है। मसाले पके तो हैं लेकिन हमें भूनना है, तो ये देखिए मसाले बहुत ही बढ़िया से भुन गए हैं और इसका तेल भी सेपरेट हो गया है, कलर बहुत ही अच्छा आया है। तो जो मिर्च हमने बॉयल करके डाली है, टमाटर को बॉयल करके डाला है, उसकी वजह से इस मसाले में कलर आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया आया है। और इसमें हमने कोई कश्मीरी मिर्च वगैरह नहीं डाली है। तो यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू को लिया है और काट के धुल लिया है। आलू डाल देते हैं, आलू आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आप यहाँ पर डालना चाहें तो डालें और स्किप करना चाहें तो स्किप कर दीजिए, खाली लोबिया की सब्ज़ी बनाइए वो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो हमारे यहाँ सबको आलू इसमें बहुत पसंद है इसलिए हमने इसमें डाल दिया है। और ये बॉयल किए हुए लोबिया के दाने भी इसमें डाल देते हैं और 2 से 3 मिनट तक मसालों के साथ में आलू और लोबिया को हम भून लेते हैं। सब्जी जितनी बढ़िया बुनी होती है टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। यहाँ पर इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर 1/2 टीस्पून राजमा मसाला डाला है हमने, तो डाल दीजिए नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और सब्जी को हमने 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, तो पानी आपको जितनी ग्रेवी पसंद है आप उतनी डालिए। तो यहाँ पर हमने लगभग 1.5 कप पानी डाल दिया है, तो अब इसमें ज़्यादा पानी सोख नहीं करेगा। ढक्कन लगाने के बाद 1 सीटी हम लगा देते हैं और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 सीटी आ चुकी है, गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, निकल गई है, कुकर एकदम ठंडा हो गया है, तो उसको खोल दिया हमने। और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया और सब्जी का कलर आप देख सकते हैं कितना लाजवाब आया है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, बहुत ही खुशबूदार सब्जी बनी है। आप इसको चावल के साथ में, नान के साथ में, रोटी के साथ में खाइए, आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी। किसी भी मेहमान को खिलाएंगे तो आपसे एक बार ज़रूर पूछेगा कि ये सब्जी आपने कैसे बनाई और किस चीज़ की बनाई है। तो गाइज अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को और अपने परिवार में इसको शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए ईट हेल्दी थिंक हेल्दी।